17 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहने वाले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले के अंतर्गत ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। लंबे वक्त से मनीष सिसोदिया के वकील जो है उनकी जमानत याचिकाएं लगा रहे थे, याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी और बार बार ये दलीलें पेश की जा रही थी कि मनीष सिसोदिया इस शराब नीति घोटाला मामले में कहीं पर भी शामिल नहीं है और ये सिर्फ केंद्र सरकार के इशारे पर बनाया गया एक कथित घोटाला है। यानी कि साफ तौर पर लंबे वक्त तक कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई नजर आई। लेकिन इस राहत के बीच में एक बड़े यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीतिक संकेत ये है कि अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी पुरजोर यहां पर कोशिशें करती हुई नजर आ रही है और मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आ गए हैं, तो क्या अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी पर मनीष सिसोदिया बैठने वाले? अरविंद केजरीवाल के सबसे विश्वसनीय नेताओं में नाम आता है मनीष सिसोदिया का और अरविंद केजरीवाल बखूबी इस चीज को जानते हैं कि दिल्ली की राजगद्दी को बचाना है, दिल्ली की सियासत को बचाना है, तो उनके वो कोर को फाउंडिंग टीम के मेंबर जो कि सह फाउंडर रहे हैं आम आदमी पार्टी के, लगातार लंबे वक्त से मनीष सिसोदिया की तमाम राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं, उनका यहां पर मजबूत होना और साथ होना बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ बात करें आपको तो 100 करोड़ रुपए के इस शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को लेकर के ईडी की तरफ से ये दावे पेश किए गए कि मनीष सिसोदिया ने इस घोटाले से संबंधित तमाम फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स और इसके साथ साथ तमाम व्हाट्सएप चैट्स को ध्वस्त कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, डिलीट कर दिया, नष्ट कर दिया। यानी कि ये जो एक तर्क दिया गया ईडी की तरफ से, उस तर्क पर यहाँ पर कोर्ट कहीं ना कहीं सहमत होता हुआ नजर नहीं आया। कोर्ट ने यहाँ पर ईडी को फटकार लगाई। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के दलीलों को विरोधाभासी बताते हुए ये फैसला दिया कि मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाला मामले में जमानत दी जाती। अब मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आ चुके, तो क्या वाकई में आम आदमी पार्टी के लिए एक नया यहाँ पर एक राजनीतिक अध्याय लिखता हुआ नजर आएगा? क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में और बड़े तरीके से, और दिल्ली ही नहीं बल्कि आगामी वक्त में होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी पार्टी बनकर के उभरने वाली है? क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है वो माहौल कहीं ना कहीं इस बात के निश्चित तौर पर संकेत देता है कि आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे से जो बाहर आए हैं, इससे चंद महीनों पहले जो है संजय सिंह जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आए थे और इससे पहले अरविंद केजरीवाल के भी मामले में लगातार जो है सीबीआई ईडी की तरफ से दावे किए गए, उसमें ईडी ने तमाम बयानों को अपर्याप्त मानते हुए यहां पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। लेकिन सीबीआई की एंट्री है और सीबीआई को लेकर के लगातार कोर्ट के अभी यहां पर चक्कर अरविंद केजरीवाल को लगाने होंगे। जेल की सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल अभी बंद है, मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिल चुकी है। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी खबर ये भी है कि विधानसभा चुनाव से पहले खबरें सामने आ रही है कि अब अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देते हुए नजर आ सकते हैं। 6 महीने पहले यदि वह अपनी पत्नी को पावर ट्रांसफर अधिकार देते हैं तो इसमें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को चुनाव लड़ने की नौबत का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही दिल्ली की सरकार को फ्लो टेस्ट का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आने वाला वक्त जो है ये काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए होने वाला है। संजय सिंह ने जिस तरीके से आरोप यहाँ पर लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर और जांच एजेंसियों पर, उन्होंने कहा कि देश की न्यायपालिका पर सबको भरोसा है, देश की न्यायपालिका से ही न्याय की उम्मीद की जाती है, जांच एजेंसियां निश्चित तौर पर बीजेपी की एजेंट के रूप में काम कर रही हैं, बीजेपी के इशारे पर जांच एजेंसियां गिरफ्तारियां कर रही हैं, विपक्ष को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, विपक्ष के तमाम नेताओं पर ईडी के झूठे केस लगाए जा रहे हैं, झूठे दावे किए जा रहे हैं और उन दावों के आधार पर गलत तरीके से नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे से यहाँ पर भेजा जा रहा है। यानी कि साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की जो रिहाई है उसको लेकर भी संजय सिंह यहाँ पर ये दावे करते हुए नजर आए कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो काम किए गए हैं दिल्ली में, उन कामों को यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं
पचा नहीं पा रही हैं, वे नागवार गुजर रहे हैं। दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग जो हैं उनका विश्वास अरविंद केजरीवाल में है और इसीलिए बार बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही है। तो इसी आधार पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इन फैसलों से नाखुश है, असंतुष्ट है और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने का प्रयास कर रही है। 100 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का आरोप ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की उन तमाम कैबिनेट के मंत्रियों पर लगाए गए जिनकी यहाँ पर मौजूदगी में दिल्ली शराब नीति मामलों में यहाँ नियमों में परिवर्तन किया गया था। और नियमों में परिवर्तन करने का मतलब साफ तौर पर यह नजर आता है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर यह आरोप लगाए गए सीबीआई की तरफ से चार्जशीट में कि दिल्ली में प्राइवेट जो शराब कारोबारी है उनके मुनाफे में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली। जबरदस्त वृद्धि यहाँ पर उसका साफ हिसाब किताब ये है कि यहाँ पर जो मुनाफा हुआ है उसका एक बड़ा मोटा हिस्सा यहाँ पर आम आदमी पार्टी के चंदे में गया है और आम आदमी पार्टी ने उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव लड़ने के लिए किया है और साफ तौर पर ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आता है। पीएमएलए की धारा 65 के अंतर्गत यहाँ चार्जशीट पेश करते हुए केस दर्ज करवाते हुए अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले 10 समन उनको जारी किए गए थे। यही हश कुल मिलाकर के मनीष सिसोदिया का था। इस शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार होने वाले मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार के पहले मंत्री थे, आम आदमी पार्टी के पहले नेता थे जो जेल के सलाखों के पीछे गए थे। ऐसे में आने वाला वक्त जो है आम आदमी पार्टी के लिए नई उम्मीदों का वक्त हो सकता है, नई उम्मीदें आम आदमी पार्टी के लिए पनपी भी नजर आ सकती हैं और आगामी वक्त की राजनीति को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अब आम आदमी पार्टी को फंसाती हुई नजर आई। क्योंकि दिल्ली में यदि प्रमुखता के साथ देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ही सियासी जंग देखने को मिलती है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव के नतीजों के आधार पर देखें या फिर विधानसभा के स्तर पर देखा जाए उतनी मजबूत नजर नहीं आती है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी एक बार फिर से दिल्ली में परचम लहराने में कामयाब रही, ऐसे ही 2025 में क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर फिर से अपना कब्जा जमाने में कामयाब होती हुई नजर आएगी। मनीष सिसोदिया की राहत ने, मनीष सिसोदिया की जमानत ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई यहां पर ऊर्जा का, नए जोश का संचार कर दिया है। जिस तरीके से पार्टी दफ्तर पर जश्न का माहौल देखने को मिला, पार्टी के तमाम यहां पर नेताओं कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि हमने जिस तरीके की रूपरेखा तैयार की है उसके आधार पर आगामी वक्त की रणनीति तैयार करेंगे और मजबूती से देश भर में आम आदमी पार्टी का विस्तार करते हुए नजर आएंगे। अब इंतजार है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की जमानत का। देखना ही होगा कि न्यायपालिका क्या फैसला सुनाती है और क्या अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आते नजर आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।